हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टैंडर्ड फिफ्थ का सब्जेक्ट एनवी का है। ये लेसन नंबर वन है। बुक नहीं होने की वजह से आपका एनवी का लेसन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी डायरेक्ट मैं इधर से डाल रही हूँ, तो आपको इधर से ही करना है, ठीक है? बाद में जब बुक आएगा तो फिर देंगे। देखो सुपर सेंसेस, तो सुपर सेंसेस क्या होता है आपने वो बताना है। सेंसेस मतलब फीलिंग, कोई फीलिंग महसूस करना, ठीक है? तो उसी में लेसन नंबर वन का यही नाम है। और वर्ड मीनिंग सबसे पहले हम करेंगे। देखिए वर्ड्स मीनिंग सेंस, सेंस क्या होता है? देखो आ गया वही फीलिंग्स, जहाँ फिर उसको बोल सकते हैं हम कंक्वाइजनेस, मतलब महसूस करना, किसी चीज़ को महसूस करना। अमेजिंग, वंडरफुल, अद्भुत, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ पहले अजीब ऐसा। प्रे, हंट, जा तो शिकार करना। किल फॉर फूड, जहाँ फिर मतलब कि खाने के लिए दूसरों को वही मार के शिकार करना, अपना खाना कंप्लीट करना। जैगरी क्या होती है? ए डार्क ब्राउन शुगर, आपको पता है ना, वो गुड़ जो रहता है जिसको बोलते हैं, वही होती है जैगरी, ठीक है? आगे देखिए, आगे देखिए कुछ ऐसे मेन पॉइंट बताए हैं जो आपको मतलब समझाने के लिए। एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस, तो मतलब एनिमल्स का भी क्या बोल रहा है कि अलग अलग फीलिंग होती है, सेंसेस होती है। देखो दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, एंड फील महसूस भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन हेयर द फैंटास्टिक साउंड, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जो साउंड रहती है बहुत ही अच्छी रहती है, या फिर मतलब जोर की रहती है ऐसे। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, तो कुछ एनिमल्स अपने दोस्तों को, अपनी ही वो दोस्तों को स्मेल से, मतलब उनकी स्मेल से ही पहचान कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है, सबको नोटबुक पे लिखने भी हैं और मैं समझा के दे रही हूँ, ठीक है? आंसर द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, इसका मीनिंग क्या है कि चींटी को कैसे पता चल जाता है कि दूसरा, अगर चींटी आ जाती है उनके ग्रुप में तो उनको कैसे पता चलता है कि ये हमारे ग्रुप की चींटी नहीं है, तो वो बताना है आपने। एंट्स डू नॉट हैव आइज, आपने तो चींटी देखी होगी, हमें तो उसकी आइज नहीं दिखती है ना, तो एंट्स की आइज नहीं होती हैं। दे हैव एंटीना विच आर कॉल्ड फीलर्स, उनका एंटीना मतलब, कहने का मतलब उनका ये है कि उनको कहाँ से पता चलता है, फील करके, फीलर्स मतलब वो महसूस करते हैं। दे यूज देम टू स्मेल, या तो फिर वो सूंघ के पता कर लेती हैं, या फिर टच करके बॉडी को, या फिर महसूस करके, फील करके। एंड कम्युनिकेट विद अदर एंट्स, दूसरी चींटी को ऐसा, या उसकी स्मेल से, या उसको टच करके, महसूस करके पहचान जाते हैं कि ये कोई दूसरी चींटी है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल पावर, तो इसी से उनको ये स्पेशल, उनके पास एक स्पेशल शक्ति है जिससे वो लोग महसूस कर सकते हैं। दे कम टू नो दैट वेदर द अदर एंट्स आर नॉट फ्रॉम देयर ग्रुप, तो ऐसे वो जान जाते हैं कि जो ये चींटी है, दूसरी अगर कोई चींटी आती है उनके ग्रुप में, तो वो पहचान जाते हैं कि ये हमारे ग्रुप की चींटी नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू देखो अभी, हाउ डिड द गॉड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डिड द गॉड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, अब उसका मीनिंग क्या है, कहने का गार्ड क्या होता है, जैसे मतलब हमने कोई ग्रुप का, कोई भी ग्रुप रहे, कुछ भी रहे, उसका वो हेड रखा हो, जहाँ मतलब वो, तो वो उसका कहने का मतलब ये कि चींटी जो है, चींटी का एक गार्ड रहता है, उसको वो क्या करता है, द गार्ड एंड हैड सेंस ऑफ स्मेल, वो चींटी की स्मेल से पहचान जाता है। विद द हेल्प ऑफ इट द गॉड एंट्स रिकॉग्नाइज दिस एंट एंड लेट हर इन, पहचान जाता है कि ये चींटी जो है हमारे ग्रुप की नहीं है, दूसरे ग्रुप की है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनी थिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर, अब आपको ये पूरा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक पार्ट करके, किसके ऊपर मतलब कोई मीठी चीज़ गिरी है, चाहे चीनी है, चाहे गुड़ है, चाहे स्वीट कोई मिठाई है, ग्राउंड में गिरी रहती है, तो आगे देखिए उसी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम, तो कितने समय में चींटी जो है आ जाती है, कहने का मतलब है कि ग्राउंड में अगर कोई मीठी चीज़ गिरी है तो कितने मिनट में चींटी आ जाती है, तो इट टुक ओनली ए फ्यू मिनट, मतलब कुछ ही मिनट में। अगर आप कोई भी चीज़, ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं,
कोई चींटी के लिए मीठा कुछ गिराएंगे तो थोड़ी देर में देखना उस चीज़ पे आके चींटी बैठ जाएगी। तो इट टुक ओनली ए फ्यू मिनट्स फॉर द एंट्स टू कम, थोड़ा ही टाइम लगता है उसको आने के लिए, तुरंत चींटी आ जाती है मिठाई के पास। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा, डिड वन एंट कम फर्स्ट आर ए ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। वो पूछ रहा है कि एक चींटी जब उधर मिठाई के पास आती है तो उसका पूरा ग्रुप एक साथ कैसे हो जाता है। तो वन एंट कम फर्स्ट, जैसे ही पहले एक चींटी आती है, देन ए ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर, तो धीरे धीरे उनका पूरा ग्रुप ही उस मिठाई के पास आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। अब बोल रहा है कि चींटियाँ जो हैं वो मिठाई से क्या करती है, क्या क्यों आती हैं सब। तो वो द एंट्स टुक द फूड इन द होल, तो चींटी क्या करती है, पूरा वो खाना क्या करेगी, उसको ढोके लेके जाती है कहाँ पे, होल में, जहाँ उसका घर रहता है वो स्टोर करके रखते हैं खाने को, इकट्ठा करके रखते हैं। तो देखो जब कभी प्रॉब्लम रहेगा तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो इकट्ठा कर करके रखते हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, फिर वो मिठाई लेके कहाँ जाती हैं, वो पूछा उसने वापस। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, कहाँ जाती हैं, अपने होल में, होल मतलब उनका घर का है, हो घर जो रहता है होल में रहता है, इसलिए वो होल में लेके जाती है। डू दे मूव इन ए लाइन, क्या वो सब चींटी जो है लाइन से जाती है, तो वो आप ट्राई करके देखना, कभी ध्यान में आएगा तो आप देख सकते हैं उसको। तो यस दे मूव इन ए लाइन, हाँ वो सब क्या करती हैं, लाइन में ही चलती हैं जाती हैं। थैंक यू। वन टाइम क्लास वर्क में इनको क्वेश्चनों को जितना करवाया है अभी क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेने का, ठीक है।